हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड नैनीताल में निकाली गई है। हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 25th of January 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल पर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो या फिर बैंक की वैकेंसी हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो, इट मीन्स ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल पर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे इस चैनल पे हर एक दिन लीगल अपॉर्चुनिटी आने वाली मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड नैनीताल ने इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को प्योर हिंदी लैंग्वेज में पब्लिश कराए, इसलिए मैं आप सभी कैंडिडेट से चाहूंगा कि आप लोग मेरी वॉइस को ध्यान से सुने ताकि आप लोगों की कोई भी क्वेरी ना रहे इस पूरे एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड ने जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर करी है, जिनके लिए ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकाला गया है, उसमें हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें जूनियर असिस्टेंट की करी जा रही है और पर्सनल असिस्टेंट के लिए करी जा रही है। हम दोनों पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन दोनों पोजीशंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा अलग अलग रखा गया है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा हर एक पोजीशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं कि इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है दोनों पोजीशंस को मिला के, मतलब जूनियर असिस्टेंट की पोजीशन और पर्सनल असिस्टेंट की पोजीशन को मिला के जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू निकाली गई है वो हमारी 139 वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें से जूनियर असिस्टेंट के लिए 57 वैकेंसी निकाली गई है और हमारे पर्सनल असिस्टेंट के लिए 82 वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले हम लोग रेमुनरेशन यानी सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो पे स्केल रखा गया है वो आपका 44,900 से लेके 1,42,400 के इन बिटवीन रखा गया है। अब बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट की पे स्केल के बारे में। जूनियर असिस्टेंट की पे स्केल रखी गई है 21,700 से लेके 69,100 के इन बिटवीन रखी गई है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे पहले हम लोग एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपकी एज 21 से अबव है और 35 से बिलो है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे और आपको अपनी एज 25th of January 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। सबसे पहले हम लोग जूनियर असिस्टेंट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने जूनियर असिस्टेंट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा है इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है, अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का LLB कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में कि आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको हिंदी टाइपिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए और आपके कंप्यूटर में स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप जूनियर असिस्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग इनके लिए डिजायर्ड कैंडिडेट कौन सा होगा जूनियर असिस्टेंट के लिए। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है जिस कैंडिडेट को इंग्लिश की भी टाइपिंग आती होगी और उसकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट कंप्यूटर पे होगी वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। यानी जूनियर असिस्टेंट की पोजीशन के लिए आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, आपको हिंदी लैंग्वेज को टाइप करने की नॉलेज होनी चाहिए जिसकी स्पीड आपकी मिनिमम 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज की टाइपिंग भी आती है और आपकी स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट है तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होंगे।
अब बात कर लेते हैं हम लोग पर्सनल असिस्टेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। पर्सनल असिस्टेंट के लिए इन्होंने बोला है आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, आप एक LLB ग्रेजुएट होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का LLB कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को मैच करते हैं। अब बात कर लेते दूसरी चीजों के बारे में। इन्होंने बोला है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों की नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको 80 वर्ड्स पर मिनट हिंदी शॉर्टहैंड आना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और बोली है, इन्होंने बोला है कि आपको कंप्यूटर ऑपरेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजायर्ड कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है जिस कैंडिडेट को इंग्लिश शॉर्टहैंड में 80 वर्ड्स पर मिनट लिखने आते होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज में 35 वर्ड्स पर मिनट लिखने आते होंगे, वो इनके लिए यानी कि हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड के लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, हमारे पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, इन्होंने बोला है आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी शॉर्टहैंड और कंप्यूटर में आपको 80 वर्ड्स पर मिनट लिखने आने चाहिए, और इन्होंने बोला है कि आपको कंप्यूटर ऑपरेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि जिस कैंडिडेट को इंग्लिश शॉर्टहैंड में 80 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट लिखने आते होंगे, वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। तो ये हमारा दोनों पोजीशंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए और अदर बैकवर्ड क्लास वाले कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज फीस रखी गई है, और हमारे रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए जो हमारे SC, ST, PWD और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो आपकी 500 रुपीज रखी गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इन दोनों पोजीशंस के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आपका हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड रिटन टेस्ट कंडक्ट कराएगा। जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उनका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, और जो कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट को भी क्वालिफाई करेंगे फाइनली उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप लोग इसे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। ऐसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साइट पे, जिसको आप सभी लोग NTA के नाम से जानते होंगे। वहां पे अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप लोग यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसा कोई कमेंट, ऐसा कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं होता जिसका मैं टाइमली बेसिस पे रिप्लाई ना करूं। अपने एंड से मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आप लोगों को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि आप अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट के बारे में पता चले तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करें ना जाएं। थैंक यू सो मच।